सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एवोल्यूशन एक्स और एंड्रॉयड 13 का। तो मैंने दोस्तों कल परसों के दिन ही आपको इसके बारे में बताया था, इसका जो इंस्टॉलेशन गाइड था वो आपको बता ही दिया था। तो दोस्तों अगर आप भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा Redmi 8A Dual है और Redmi 8A Dual में दोस्तों हमने यहाँ पर Android 13 को इंस्टॉल करके रखा है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके फ़ोन में भी ये Android 13 आ जाए तो दोस्तों फटाक से वो जारी वीडियो है ना, जाकर देख लेना। तो यहाँ पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि क्या कुछ इसका परफॉर्मेंस है, क्या आपको इसे इंस्टॉल करना चाहिए और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या ये गेमिंग के लिए है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने एक हैवी गेम डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर आप अगर पबजी फ्री फायर वगैरह चलाते हो ना तो उसके लिए मेरी एक स्पेशल वीडियो आने वाली है। तो आप लोग दोस्तों उस वीडियो को वेट करना, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा कमाल के आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके पास भी अगर 2GB रैम वाला फ़ोन है ना, जैसे ये मेरे पास Redmi 8A Dual है, इसमें 2GB रैम है, तो दोस्तों उसमें भी आप अच्छी गेमिंग कर पाओगे और दोस्तों लैग जिटर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ इशू होते हैं जो कि दोस्तों हमारे होते हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड, तो दोस्तों वो तो फिर रहेंगे ही, क्योंकि नेटवर्क अच्छा हो जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये गेम मैंने कल इंस्टॉल किया था आपको बताने के लिए, अभी आपको प्ले करके भी दिखा दूंगा। बाकी अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस कस्टम रोम की कुछ फीचर के बारे में। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप इसमें बहुत सारे एप्स को इंस्टॉल करोगे ना तो ये लैग करने लगेगा, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉयड 13 है और कुछ उसकी मिनिमम जो है उसके हार्डवेयर की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसमें कम से कम एप्स रखते हो तो ये रोम बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर देखो ब्लूटूथ भी ठीक से काम कर रहा है, वाईफाई भी ठीक से काम कर रहा है, अभी तक मुझे कोई भी यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर मुझे अभी तक कोई भी बग देखने को नहीं मिला है। बाकी ज़्यादा यूज करते हैं तो दोस्तों ये कस्टम रोम है ना प्रॉब्लम करने लगती हैं। एक यहाँ पर चीज़ है कि दोस्तों मैंने जितनी भी कस्टम रोम अभी तक ट्राई की हैं सभी में आपका जो माइक और आपका जो स्पीकर होता है इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, पता नहीं क्यों आपको स्पीकर से कम वॉल्यूम आती है, आप किसी से बात करते हो तो आपके माइक से भी कम वॉइस यहाँ पर जाती है। तो ये मुझे कस्टम रोम का फीचर कह लो या बग कह लो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। बाकी दोस्तों इस एवोल्यूशन एक्स में आपको सबसे पहले तो मिलता है यहाँ पर गेम स्पेस, और ये आपको यहाँ पर आपका फोन जब आप गेमिंग करते हो तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ ही में ये आपके नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर देता है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन परेशान ना करे। और इससे रिलेटेड कुछ आपको फीचर भी यहाँ पर मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन, डबल स्क्रीन और ये बहुत सारे जो फीचर है तो आपको यहाँ पर ये मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ओवरले मेनू और जो है यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ से दोस्तों आपको ऐड बटन मिलता है, यहाँ से आप कोई भी ऐप यहाँ पर ऐड कर सकते हो गेम स्पेस में। यहाँ पर देखो मैंने कार एक्स हाईवे रेसिंग इसको इंस्टॉल किया है और ये दोस्तों कोई लोकल गेम नहीं है, कह सकते हो दोस्तों 2GB रैम के हिसाब से हाई एंड गेम ही कह सकते हो, क्योंकि इसका साइज लगभग 600-700 MB का था जब मैंने इसे इंस्टॉल किया था, तो मतलब अच्छा गेम है। तो इसे मैं प्ले करके आपको दिखाऊंगा। और फीचर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक फीचर मिलता है वो यहाँ पर है पेपर्स, और दोस्तों ये है यहाँ पर वॉलपेपर के लिए। तो आप अपने फ़ोन में अलग अलग वॉलपेपर सेट करना चाहते हो तो ये दोस्तों यहाँ पर एवोल्यूशन एक्स की तरफ से आपको मिल जाता है। और बाकी दोस्तों इसमें परफॉर्मेंस में अभी तक मुझे कोई इशू नहीं मिला है, थोड़ा सा दिखाई देता है जैसा कि यहाँ पर ओपन डाउन करने में फ्रेम रेट का कुछ दिक्कत दिखाई देता है, लेकिन 2GB रैम जो लोग यूज करते हैं ना उनके लिए ये स्मूदी है। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर लैग हो रहा है, भाई 2GB रैम में आपको क्या चाहिए, एंड्रॉयड 13 आपको मिल रहा है और साथ ही में यहाँ पर एवोल्यूशन एक्स, गूगल डायलर, सारे ऐप्स यहाँ पर गूगल के ही मिलते हैं। एनिमेशन थोड़ा सा स्लो है लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमाइज होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पता होगा हार्डवेयर में आपने नया सॉफ्टवेयर डाला है तो उसे थोड़ा प्रॉपरली काम करने में टाइम तो लग ही जाता है। गूगल प्ले स्टोर है, आप यहाँ से बहुत सारे ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ ऐप्स है नहीं, क्लॉक है। और यहाँ पर मैं आपको इसका कंट्रोल सेंटर दिखा देता हूँ, तो ये है दोस्तों कंट्रोल सेंटर एंड्रॉयड 12 वाला ही है एंड्रॉयड 13 में, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाता है और इसमें भी कोई भी इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया से काम करता है। नीचे यहाँ पर आपको बटन मिल जाते हैं सेटिंग और यहाँ पर पावर ऑफ का,
और यहाँ पर जब भी आप कोई ऐप्स यूज करते हो ना, तो यहाँ पर देखो दोस्तों नोटिफिकेशन में आपको दिखाई देता है कि बैकग्राउंड में कितने ऐप्स रन कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में अगर कोई भी ऐप यहाँ पर रन कर रहा है तो वो आपको पता तो चल ही जाता है। तो ये यहाँ पर एक फीचर है जो कि दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बैकग्राउंड में कोई भी ऐप यहाँ पर रन करता है ना पता चल जाता है। अभी पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपको इस तरीके का रीसेंट बार देखने को मिलता है। नीचे की तरफ में आपको मिल जाता है ये जो स्लाइड बार, यहाँ पर ये नेविगेशन बार आपको देखने को मिल जाता है और अच्छी तरीके से वर्क करता है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर फीचर है और ये काफ़ी कुछ स्मूथ है और इसमें आप जितने भी एप्स करोगे ना अच्छी गेमिंग कर सकते हो। सेटिंग में आपको लेकर चलूंगा कि भाई सेटिंग में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सेटिंग में यहाँ पर सबसे पहले द एबुलेट जो यहाँ पर इसका एवोल्यूशन एक्स के थीम को आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आप थीम कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी कर रखना चाहते हो वो रख सकते हो, कलर्स को डार्क थीम रख सकते हो। यहाँ पर आपको बॉडी फॉन्ट, आइकॉन पैक्स, सिग्नल स्टाइल भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, इतने टाइप की कोई भी आप रख सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ पर रख सकते हो। तो इतने साले आपको सिग्नल स्टार यहाँ पर मिल जाती है। और सिग्नल ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको वाईफाई आइकन भी मिल जाएगा, आइकन के शेप भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर नब्बर टाइप है, इसमें आप जैसा भी नब्बर रखना चाहते हो वो यहाँ पर रख सकते हो। देख सकते हो कितने टाइप के यहाँ पर मिलते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर स्टेटस बार को भी आप, यहाँ पर इतने ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से आप अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हो, ये कि बहुत अच्छा यहाँ पर है। यहाँ पर वोल्टी साइन को आप ऑन ऑफ करके रख सकते हो, रोमिंग इंडिकेटर को ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों कलर्स आइकन में यहाँ पर आप डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कलर भी आप कर सकते हो आइकन में। ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस भी शो ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर आपको स्टेटस बार के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो आप वाइब्रेट, वाइब्रेट कॉल, ये सब यहाँ पर यहाँ से कर सकते हो कस्टमाइज। और इसके बाद यहाँ पर पावर मेनू है, भाई इतने ऑप्शन हैं जितने आपको MIUI में भी नहीं मिलते हैं। गेस्चर है और इसके बाद बटन्स हैं, आप बटन्स को भी यहाँ पर कर सकते हो कस्टमाइज। और इसके बाद यहाँ पर एनिमेशन भी आपको मिल जाता है, डिफॉल्ट एनिमेशन, CTR स्केल, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इन्हें सेव कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर्स, ये कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर देन टीम, द टीम यहाँ पर आपको ये टीम के बारे में डिटेल बता रहा है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी फिर सेम वही एंड्रॉयड 13 के ऑप्शन है। ठीक है, अदर यहाँ पर सारे के सारे 13 के ऑप्शन मिलते हैं और कुछ भी अलग नहीं है। बाकी सारे जो एंड्रॉयड 13 में है, जो आपकी सेटिंग होती है बेसिक वो है, जैसे कि डिस्प्ले सेटिंग, साउंड सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी, ये सब यहाँ पर आपको मिलता है। तो इसमें दिखाने लायक कुछ नहीं है, सब कुछ था यहाँ पर दोस्तों हमारा द एबुलर में। तो सारे ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाते हैं। और बैटरी के ऑप्शन यहाँ पर ये हैं, बैटरी भी काफ़ी अच्छी चलती है कस्टम रोम में। तो दोस्तों ये थी एवोल्यूशन एक्स कस्टम रोम। ज़्यादा फीचर तो इसमें होते नहीं है, क्योंकि इनका खास बात यही होता है कि फीचर कम होते हैं लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, बाकी थोड़ा गेमिंग टेस्ट भी आपको करके दिखाई देता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया इस गेम को, देख सकते हो जैसे 4GB रैम में गेम स्टार्ट होता है, सेम वैसे यहाँ पर गेम स्टार्टिंग हो रही है और काफ़ी स्मूथ गेम होता है। जो आपका स्कोप, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं आपका जो जायरो सेंसर होता है, मतलब इसमें तो नहीं है, ग्रेविटी सेंसर जो होता है वो इसमें काफ़ी ठीक तरीके से काम करता है, जिससे कि आपको कंट्रोल करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर अभी ये लोड कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप, तो यहाँ पर मैं आपको एक गेम प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए एक रेस यहाँ पर करते हैं। और ग्राफिक भी ठीक ठाक आपको मिलते हैं, जितना डिस्प्ले के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन ग्राफिक्स आपको मिलेंगे, देख सकते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल स्मूथनेस आपको मिलती है गेम में, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आप यहाँ पर गेमिंग कर सकते हो। और मैं आपको दोस्तों पबजी मोबाइल लाइट या फिर आप जो भी कहें उसका भी टेस्ट करके दिखा दूँगा, लेकिन उससे रिलेटेड दोस्तों गेमिंग से रिलेटेड एक बेहतरीन वीडियो चैनल पर आने वाली है, तो उसे ज़रूर से देखना।
अगर आप गेमर हो तो दोस्तों उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उस वीडियो में आपके लिए बहुत बेहतरीन आपको सेटिंग्स बताऊंगा जिसमें 2GB रैम में भी आप बढ़िया से गेमिंग कर पाओगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। एवोल्यूशन एक्स एंड्रॉयड 13 का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।